No! तो क्या ये अपने भ्राता रावण के साथ इस दुष्टता के व्यवहार के दंड स्वरूप ही माता कैकसी ने शतानन को अंतरिक्ष भेज दिया? हाँ हनुमान, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो। जब तक तुम्हारा अनुज तीनों लोक पे राज करे, तब तक पूर्णता शांत रह। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता। चला जाऊंगा अनुज रावण से दूर, करूंगा अंतरिक्ष में वास, तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कोई मुझसे लौटने का आग्रह ना करे। परंतु जब ऐसा होगा तब मैं अपने अनुसार समस्त संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में किसी का हस्तक्षेप मुझे स्वीकार नहीं होगा। और हाँ, जाने के पूर्व एक निवेदन करना चाहूंगा माता। अनुज रावण को इतना सामर्थ्यवान बनाइए कि वो त्रिलोक विजेता बने, क्योंकि मैं उसके साथ कैसा भी व्यवहार करूं, यदि किसी और ने उसे क्षति पहुंचाई तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। अवश्य ही किसी ने उसे रावण के वध के बारे में सूचित कर उसे लौटने के लिए प्रेरित किया होगा। माता, संपूर्ण लंका में एकमात्र मयासुर ही एक शेष है जो ऐसा कर सकता है। हाँ, भ्राता रावण के वध के बाद वो पुनः दिखाई नहीं दिए। मेरे राज्य अभिषेक में भी वो अनुपस्थित थे। अवश्य ही इस संकट को उन्होंने ही हमारी ओर भेजा है। जो भी हो महाराज विभीषण, अभी तो हमें इस संकट के निवारण का उपाय सोचना चाहिए। दशानन रावण यदि आसुरी शक्तियों का सरोवर था तो शतानन रावण उनके सागर के समान है। और प्रत्यक्ष हुए बिना ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और उसका उद्देश्य मात्र प्रतिशोध नहीं, पृथ्वी पर धर्म का नाश कर अधर्म को स्थापित करना भी है। आक्रमण किया है उस दुष्ट ने। प्रभु और भैया लक्ष्मण भी उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं, परंतु मुझे सतर्क रहना होगा, रोकना होगा उसके इस प्रहार को।
दशानन से बलशाली शतानन अनगिनत बरसाए शिलाखंड सामना करत लखन रघुराई और कपीश भी गदा उठाई उत्षठ माया भी भयकारी राम कपीत सदाचारी पूर्ण धर्म स्थापन लाई युद्ध लड़े हनुमत रघुराई गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। मेरा प्रहार विफल कर दिया इन नर और वानरों ने, मेरी शक्ति का ऐसा अपमान। असंभव, इन्हें रोकना तो असंभव प्रतीत हो रहा है। प्रतिशोध लेने के लिए शतानन लंका का ही विनाश करने पर तुला है। शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे, शतानंद के इस वार को सफल होने से रोकना होगा। सहस्त्रों अस्त्रों की वर्षा कर रहा है यह शतानंद रावण। यह आयुध ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई विकराल दानव सबको नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा चला आ रहा हो। जब प्रभु श्री राम स्वयं हमारे साथ हैं, फिर कैसी चिंता माता। देखिएगा, उस दुष्ट के समस्त प्रहार विफल हो जाएंगे, किसी का कोई अहित नहीं होगा। चिंतित मत हो प्रिय, आपको या किसी अन्य को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। अब ज्ञात हो जाएगा इन सबको कि शतानन रावण क्या चाहता है। सबके सब टूट जाएंगे, टूट जाएंगे सबके सब। ऐसा उलझाऊंगा इन सबको, ये सब वो करने को विवश हो जाएंगे जो मैं इनसे करवाना चाहता हूं। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। ah!
अभी तो मैंने अपनी शक्ति का एक सूक्ष्म अंश ही प्रदर्शित किया है। प्रतिशोध तो मैं तब लूंगा जब उन सबको विवश होकर मेरे इस लोक में आना पड़ेगा। एक एक को मृत्यु दूंगा मैं अपने हाथों से। आनंद विहीन कर देगा सबको ये शतानंद, आनंद विहीन करेगा। प्रभु श्री राम की इस वानर सेना को भयभीत करने का प्रयास कर रहा है दुष्ट। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जय श्री राम। क्या कर रहे हैं? तनुज चक्रास्त्रा मारा किंतु कपीश विफल पर हारा। पवन तनय विपत्ति निवारे काज सवारे संकट टारे। गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। ये दुष्ट वानर हमारे प्रहारों को विफल कर रहा है। बहुत चतुर समझ रहा है अपने आप को वानर। अभी तो ये आरंभ है। शने शने तुम्हें भी मेरे आतंक से विवश होकर यहाँ मेरे लोक में आना होगा वानर। शतानंद से रक्षित नहीं है किसी का आनंद। शत्रु करे गुहार, शतानंद करे संहार। सावधान हो जाओ वानर वीरों। ये अस्त्रों के भग्नावशेष भी क्षति पहुंचा सकते हैं। इन्हें मुझे रोकना होगा। अस्त्रों और शिलाओं के अवशेष हमें हानि पहुंचा सकते हैं। सावधान हो जाओ वानर वीरों। मुझे इन अवशेषों को रोकना होगा। सहस्त्र अस्त्र नष्ट कर दिए इस वानर ने। वानर, ये वानर आपके अस्त्रों को नष्ट कर रहा है और आप शांत खड़े हैं। ये वही नर और वानर हैं जिसने आपके भ्राता लंकेश का वध किया।
उनके पुत्रों पौत्रों को समाप्त किया, आपकी माता को कष्ट पहुंचाया। आपको तो एक ही वार में उसे समाप्त कर देना चाहिए, किंतु आप है कि समाप्त करूंगा मैं इन सब की जीवन लीला, किंतु यहाँ मेरे लोक में लाकर उन सब को विवश कर दूंगा मैं यहाँ आने के लिए, मेरा ये आतंक समाप्त करने के लिए उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। प्रभु, ये राक्षस हमारे साथ क्रीड़ा कर रहा है। अभी तक वो राक्षस हमारे समक्ष नहीं आया, मात्रा भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अवश्य ही वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए ऐसा कर रहा है। वानरों, अब तक तो मैं क्रीड़ा कर रहा था, अब तुम सब देखोगे मेरा वास्तविक आतंक। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। दुष्ट राक्षस, अब भोग अपनी दुष्टता का फल। प्रभु, हमारी सेना में आतंक फैलाने का प्रयास कर रहा है वो राक्षस। कोई तो गुप्त प्रयोजन है उसका, इसलिए बिना सामने आए छुप कर कर रहा है वो ये सब। लक्ष्मण, प्रतीत हो रहा है इस राक्षस से भीषण युद्ध होने वाला है, और मैं किसी भी नारी को इस युद्ध की विभीषिका से प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकता। तुम सीता, त्रिजटा एवं अन्य स्त्रियों को लंका के राजभवन ले जाओ, वहां ये सुरक्षित रहेंगे। ऐसा मत कहिए स्वामी, मैं आपको इस विकट परिस्थिति में छोड़कर नहीं जा सकती। सीते प्रिय, पिछले युद्ध में भी तुम मुझसे दूर नहीं थी, आप भले ही अशोक वाटिका में थी, परंतु हर क्षण आप मेरे साथ ही थी, और इस युद्ध में भी मुझे आपके सहयोग से ही विजयश्री प्राप्त होगी। परंतु आपका यहां रुकना आपको संकट में डाल सकता है, इसलिए आपको यहां से जाना ही होगा। उचित है स्वामी, किंतु मुझे लंका के राजभवन पर नहीं, किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजिए, क्योंकि आपका वनवास अभी भी शेष है, और आपकी अर्धांगिनी होने के कारण
मैं भी किसी नगर या राजभवन में निवास नहीं कर सकती। संकट के समय भी धर्म, नैतिकता और मर्यादा का पालन करने वाले व्यक्ति ही महान होते हैं।